नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बांदा में एक सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर शव रख कर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के समझाने पर परिजनों ने शव को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। मामला फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर गांव का है, जहां का रहने वाला जितेंद्र सोनी नामक एक व्यक्ति गांव से दूर बघेलावारी कस्बे में सराफा की दुकान खोले था। जब देर शाम कल वह दुकान बंद करने के बाद जेवरों से भरा बैग लेकर घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार दो लुटेरों ने सराफा व्यापारी का बैग छीनकर रास्ते में लूटपाट करने लगे। जब जितेंद्र ने विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचे से उसकी कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और बदमाश 20 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने से भरा उसका बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर सड़क पर मृतक का शव रखकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 24 घंटे के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी परिजनों को दिया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बांदा से ब्यूरो चीफ पूरन राय की रिपोर्ट। चाचा, क्या नाम है आपका? शिवजान। कहाँ से आए हुए हैं? किस थाने का मामला है ये? फतेहगंज थाने। क्या हुआ था? लड़का हमारा किराए में दुकान कह रहा है, तरा पा के वो ढकर कर रहा, तो वो दरवाजे बंद करके वहाँ से आवा है, तो कुछ दूजने घेर के मोटर बाइक से नहीं आके गोली मार दी नहीं, सिपाही लाल के और ओजन के पुरोह के बीच में नज़दीक के नज़दीक गाँव जुम कर मतलब गोली मार की हत्या कर दी। तो आप लोगों को कैसे सूचना मिली? सूचना मिली गांव के एक लड़का पहुंचा पीआर का, एक तो उसने बताया कि मतलब तुम्हारे छोटा को गोली मार, छोटा को गोली मार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमें आर्थिक व्यवस्था चाहिए, वहाँ हमारे खातिर चारा रहा है, वहाँ हमें खातिर टाटी रहा है, गरीब है, कल से मर जाएंगे, सब कुछ चला गया, वहाँ की दबाव लगी, द्वारों लगी, वही लाइन लिए तो हम बेसहारा हो गए। बरामद करके देंगे, अभी तक सरकार से बरामद चाहिए कुल मिला के, जो आगे जो भी हमारी व्यवस्था की लाइसेंस की व्यवस्था कई दिन जाए। क्या नाम है भैया आपका? बसंत सोनी नाम है मेरा। और कहाँ से आए हुए हैं? मोधा से आए हैं, और जो मृतक हैं हमारे जो है सगी मौसी के लड़के हैं। अच्छा। और इनकी जो है कल शाम को 6 बजे कुछ जो है साथियों ने और लुटेरे किस्म के लोगों ने इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और इनके पास से आभूषण वगैरह और जो नगद रुपए था वो जो है लूट लिए गए हैं। और प्रशासन ने हमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर जो है 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। कहाँ का मामला है ये? जबरापुर थाना फतेहगंज का मामला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा और प्रशासन से और हमारे एसपी साहब से ये कहना चाहूँगा कि इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत आक्रोशित हैं और ये घटना पहली बार इस क्षेत्र में हुई है जिसका हम पहली घटना है जिसका हम कड़ा विरोध करते बड़ी हैं। घटना है, ठीक है, हम परिवार वाले हैं तो हमें जो है हर चीज़ की चिंता है। और वो व्यक्ति ऐसा था कि उसे से किसी की रंजिश नहीं थी, अपना 4 रोटी कमाने वाला लड़का था वो, ठीक है, उसकी शादी भी अभी 4-6 महीने पहले हुई थी और आज ऐसा दिन देखना पड़ गया, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। सर, आज जो यहाँ जबरापुर में सुनार का हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के क्या? ये फतेहगंज थाना क्षेत्र में ग्राम जबरापुर के रहने वाले जितेंद्र सोनी, ये बघेलावारी में इनकी सोने चांदी की दुकान है। आज सायंग 6:30 बजे अपनी दुकान से ये अपने घर वापस लौट रहे थे और जबरापुर गांव के थोड़ा पहले ही दो अज्ञात बदमाश जो है मोटरसाइकिल से आए और उन्हें काफ़ी नज़दीक से गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद यहाँ काफ़ी गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है
ये डिमांड किया कि जो है इसमें जो भी पुलिसकर्मी इसमें लापरवाही किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी पुलिसकर्मियों की लापरवाही हुई है उनके विरुद्ध जो है जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर वो जो है अपनी डेड बॉडी को उन्होंने वापस किया और इसके बाद उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर भी प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत करके इस घटना का अतिशीघ्र इसमें खुलासा कर दिया जाएगा।